तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम इसी मंथ में है या आने वाले मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार रिपीट हो रहे हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आप जल्दी जल्दी से रेडी हो जाइए, टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, आप सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। तो चलिए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एडमिट कार्ड की डेट आ ही चुकी है, आप लोग ने डाउनलोड ही कर लिया है। नहीं डाउनलोड किया है तो इसमें का एडमिट कार्ड आ चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी में आपको डेट मिल जाएगी किस डेट को आपका एग्ज़ाम है। तो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर 7 बजे ज्वाइन हो जाइए, 7 बजे में मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप डेली अटेंड करिए, ठीक है। तो आज के एक वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से टिम बर्नर्स-ली द्वारा क्या खोजा गया। एक नंबर है www, बी नंबर है ईमेल, सी नंबर है TCP/IP, डी नंबर इंटरनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि जब पिछले बैच के स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था जब पिछले मंथ हुआ था, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को जो मैंने क्वेश्चन बताया था एग्जाम में, वही सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे, तो वो अच्छे ग्रेड से पास भी हो चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है। तो आई होप आप लोगों को भी मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि www का फुल नेम क्या होता है, तो वहाँ पर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया, ठीक है। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है कि टिम बर्नर्स-ली ने या www को किसने खोजा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा टिम बर्नर्स-ली www, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSI किस पीढ़ी से संबंधित है। ए नंबर फर्स्ट, बी नंबर सेकेंड, सी नंबर थर्ड और डी नंबर फोर्थ। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, VLSI आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने कई बार बताया इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, फोर्थ पीढ़ी में, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इसी मंथ में है, तो उन लोगों को क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, अगर वो पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिपल सी से रिलेटेड आप बेशक पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई 100% देता हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, अभी तक आपने इस पर विजिट नहीं किया है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर, अगर इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर दोनों देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप चेक जरूर करिएगा, वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये आपके अपने भाई का फेसबुक पेज है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप इस हमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए टेस्ट पर आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है, दो नंबर क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, VLSI। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्रो ऑफिस राइटर में न्यू शैली की शॉर्टकट कीज क्या होती है। लेब्रो ऑफिस, जैसा कि आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता दूं, लेब्रो ऑफिस एक नया सिलेबस एड हुआ ट्रिपल सी के एग्जाम में, जिससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर एक है Ctrl+Shift+N, बी नंबर Alt+T, सी नंबर है Ctrl+N और डी नंबर Shift+F11। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, Shift+F11 नई शैली की शॉर्टकट कीज होती है लेब्रो ऑफिस राइटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGP का पूर्ण रूप क्या होता है। ए नंबर है प्रीटी गुड प्राइवेसी, बी नंबर प्रोटोकॉल ग्रुप प्राइवेसी, सी नंबर पीर ग्रुप प्रोटोकॉल, डी नंबर नन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, PGP का पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या होता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा PT गुड प्राइवेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, आप रट लीजिएगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक एड्रेस में कितने अंक होते हैं या कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो नंबर एक है 15, बी नंबर है 20, सी नंबर है 10 और डी नंबर है 12। तो जो मैक एड्रेस होता है आप लोगों का क्या होता है, वो होता है 12 का, यानी 12 डिजिट का या 12 अंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IE को डेवलप करने में किस भाषा का प्रयोग किया गया।
तो आप सोच रहे होंगे कि आईई क्या है। आईई इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी कि एक प्रकार का वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर ठीक है। आईई का फुल नेम होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वहां पर लिखा हो इंटरनेट एक्सप्लोरर या आईई, तो आप समझ जाइएगा आईई का फुल नेम इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो अब बात आती है कि इसको डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। ए नंबर जावा, बी नंबर पायथन, सी नंबर सी और डी नंबर सी प्लस प्लस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है आईई को बनाने के लिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी की शुरुआत किस सन में हुई। तो नंबर एक है 1990, बी नंबर 1995, सी नंबर 1997, डी नंबर है 1996। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीवीडी। ठीक है आप लोगों को फुल नेम इसका मालूम होगा, मैं बताऊंगा नहीं फुल नेम क्योंकि मैंने कई बार बता दिया है इसका फुल नेम। अब आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका फुल नेम डीवीडी का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 1996, 1996 में डीवीडी की शुरुआत हुई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस में कितने पोर्ट, सॉरी आईपी एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं या कितने भाग होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर एक है 12, बी नंबर है 5 और सी नंबर है 4, डी नंबर है 1। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है, तो इसमें जो होते हैं एड्रेस में कितने पार्ट होते हैं, चार होते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चार होते हैं। आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा ठीक है, 1 2 पॉइंट, उसके बाद 3 0 1 2, फिर पॉइंट, फिर 6, फिर 7, ऐसे चार पार्ट, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एक नंबर इंग्लिश, बी नंबर उर्दू, सी नंबर फारसी, डी नंबर संस्कृत। ये क्वेश्चन आप लोगों का जनरली क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना जरूरी है, लेकिन एग्जाम में भी जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुपया शब्द आपका संबंधित है संस्कृत से, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों कि कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर एक ओएस को अपडेट करते रहना चाहिए, बी नंबर एंटीवायरस का प्रयोग करना चाहिए, सी नंबर फायरवॉल एक्टिव रखना चाहिए और डी नंबर इनमें से सभी। तो भाई कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए आप लोगों को इनमें से सभी का यूज करना है, इनमें से सभी, फायरवॉल भी एक्टिव रखना है, इंटरनेट चलाते हैं, एंटीवायरस भी जरूरी है, और ओएस को अपडेट भी करते रहना ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए आरटीपी का प्रयोग किया जाता है। आरटीपी का फुल नेम आप लोगों को मालूम होगा, रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डॉस आप लोगों को मालूम होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मल्टीटास्किंग नहीं होता है। ठीक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई में यूपीआई से पेमेंट करने को ई पे कहते हैं। तो भैया जो यूपीआई यानी कि ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें ई का मतलब होता है, समझ जाइए कि वो ऑनलाइन ही प्रोसेस हो रहा है, चाहे ई लर्निंग हो चाहे ई पे हो, तो मतलब ऑनलाइन हुई, तो हम ई पे यानी ए पे कहते हैं, करने को ए पे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MMID कोड 7 डिजिट का होता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ट्रू। MMID कोड आप लोगों को मालूम होगा मोबाइल में होता है। ठीक है आप लोग अब ध्यान में आ गया होगा MMID कोड, ठीक है तो 7 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुलेट और नंबरिंग कमांड होम टैब में पाया जाता है। तो जो बुलेट नंबरिंग आप लोगों को बुलेट में मैं बता दूँ, बुलेट ये हो गया ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ये, ठीक है ये फिर होता है ये नीचे होता है बुलेट, उसके बाद ऐसा भी देखा होगा ऐसे ऐसे होता है, ये आपके बुलेट। और नंबरिंग क्या होते हैं, नंबरिंग ये होता है 1 2 3 या रोमन अंक में, ठीक है 3 ऐसे ऐसे, तो ये आपके बुलेट और नंबरिंग हो गए। ये ऑप्शन या ये कमांड किस टाइप में पाए जाते हैं, तो होम में पाए जाते हैं या इंसर्ट में, पेज लेआउट में, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब जो टैब है यानी कि ये सब जो ऑप्शन है ये हमारे किस में पाए जाते हैं, होम टैब में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा ट्रू। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज आर्ट प्लस यू होती है। क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर की होना चाहिए था, ठीक है आप मैनेज कर लीजिएगा।
वर्ड अंडरलाइन के साथ कट कीजिए, आल्ट प्लस यू होती है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स। अब भैया फाल्स क्यों होगा, क्योंकि जो अंडरलाइन के साथ कट की होती होती है कंट्रोल प्लस यू, आल्ट नहीं होता है, तो इसलिए हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनबॉक्स और आउट बॉक्स दोनों समान होते हैं, तो भैया इनबॉक्स आप लोगों को मालूम होगा, आउट बॉक्स भी मालूम होगा, तो आपको क्या लगता है दोनों समान होते हैं? बिल्कुल समान नहीं होते, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY 2015 यानी कि 2015 में शुरू हुई, जो PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई, तो ये क्वेश्चन आपका GK से भी रिलेटेड है और आपके CCC भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, 2015 में शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS के द्वारा 1,00,000 भेजने पर 5.1% का शुल्क लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। फाल्स क्यों होगा, क्योंकि RTGS और NFT, ये क्वेश्चन आपका NFT में होता तो हाँ भाई कुछ लगता कि सही है, लेकिन जो RTGS होता है उसमें जो ट्रांजेक्शन की मिनिमम वो होती है, अमाउंट होता है, वो होता है 2,00,000 यानी 2,00,000, ठीक है, तो इसलिए फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग जरूरी है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोगों को मालूम ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा हमारा फाल्स। कंप्यूटर में काम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कि उसके बिना हम काम ही नहीं कर सकते, कोई मस्ट नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।